जब मैं मदरबोर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ तो इस पे GR आने लगता है। देखिए 400 कुछ आया ना, अभी मैं बोर्ड को थोड़ा सा बेंड कर रहा हूँ किसी भी कॉर्नर से तो इस पे 2500 जा रही। देखो 2500 हो गई ना। आपको एक एक्स्ट्रा पिन चेक करनी है जो हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं बताया है। हेलो दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज हमारे पास आया सैमसंग A12 ने मेरे को बहुत परेशान कर रखा था पहले से ही। कम से कम 4-5 डिवाइस मैंने इसकी रिटर्न कर ही दी थी। हो सकता है आपने भी अभी तक रिटर्न की हो कभी इस कंडीशन वाली डिवाइस। मीपी लाइनें ओके हैं, VSP VSN GR ओके है, 1.8 का GR ओके है और RST लाइन का भी GR ओके है। ऑलमोस्ट जितनी भी लाइनें बार्नियो बताता है वो सारी लाइनें ओके हैं, तब भी इस पे कुछ भी ना लाइट आ रहा ना ग्राफिक्स आ रहे। ये डिवाइस जो है मेरे पास आई, जब ये मेरे पास आई तो इसमें कभी लाइट आ रही थी कभी भाग रही थी, यानी कि कभी ग्राफिक्स आ रहे थे और कभी भाग रहे थे। तो जब मैंने इसको अंदर से खोला तब से इस पे कुछ भी नहीं आ रहा, मगर मदरबोर्ड की कंडीशन ऑलमोस्ट क्लियर है, यहाँ से सही है, मगर अंदर से किसी टेक्नीशियन ने ऑलरेडी काम कर रखा है थोड़ा बहुत, उन्होंने शायद इस पे ग्राफिक्स आईसी चेंज कर रखी है। जहाँ तक मेरा मानना है शायद ग्राफिक्स आईसी चेंज कर रखी है और कॉइल वाइल शायद चेंज कर रखी हो यहाँ से, इस वजह से उन्होंने चेंज कर रखी है। इसका VSP और VSN नहीं बन रहा है, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट इसका नहीं बन रहा है। उसका कोई कॉमन इशू नहीं है, उसका एक मेजर इशू है इसमें। मैंने इसका आज सॉल्यूशन निकाल लिया, ये कहाँ से दिक्कत आती है, ये VSP और VSN क्यों नहीं बन रहा है इसमें, ग्राफिक्स क्यों नहीं आ रहे इसमें, लाइट क्यों नहीं आ रही। जब तक ग्राफिक्स नहीं आएंगे तब तक तो लाइट भी नहीं आएगी, ये तो सिंपल सी बात है। इसमें ना तो ग्राफिक्स आ रहे ना तो लाइट आ रही। इस कंडीशन में मैंने बॉर्नियो को चेक करा, मीपी लाइनें चेक करी, जो भी डिस्प्ले की लाइनें हैं उन पे सब पे GR आ रहा है। मीपी सारे ओके हैं, 1.8 ओके है, RST भी ओके है और VSP VSN इन पे भी कोल्ड टेस्टिंग में प्रॉपर GR आ रहा है, मगर फिर भी ना तो लाइट आ रही ना ग्राफिक्स आ रहे। तो हॉट टेस्टिंग मैंने इस पे करी, इस पे 1.8 भी बन रहा है, मगर मैंने देखा इस पे VSN और VSP नहीं बन रहा है, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट नहीं बन रहा है। वो क्यों नहीं बन रहा उसकी डिटेल मैं आपको अभी देता हूँ क्यों नहीं बन रहा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट का जवाब मिल जाएगा। ये जो ग्राफिक्स आईसी है ना, मैंने इसके GR भी ले लिए, जो इसके पैड रहते हैं नीचे से पॉइंट रहते हैं उनका मैंने GR भी ले लिया। ऑलमोस्ट जितना भी GR आना चाहिए, जिस पॉइंट पे GR आना चाहिए GR प्रॉपर आ रहा है ग्राफिक्स आईसी के पैड पे, मगर फिर भी इसका VSP और VSN नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है बताता हूँ, चलिए आगे चलते हैं। ये जो इसका मेन FPC कनेक्टर है ना, बॉर्नियो के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। चलिए पहले बॉर्नियो के हिसाब से ही चलते हैं, देखते हैं बॉर्नियो क्या बताता है। बॉर्नियो के हिसाब से जो भी ग्राफिक्स की लाइनें हैं, बॉर्नियो के हिसाब से ये मीपी लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 लाइनें जो है मीपी है और नीचे वाली साइड 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें मीपी है और ऊपर से 1, 2, 3, 4 लाइनें मीपी है। इन सब में मैंने आपको बताया कि इस पे GR प्रॉपर आ रहा है। उसके बाद RST N लाइनें एक, वो ये वाली है, देखिए इस पे भी GR आ रहा है प्रॉपर, ठीक है, RST N पे भी GR आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप आइए, ये वाली लाइन जो है ये VSN है, इस पे GR आ रहा है, VSN पे भी GR आ रहा है। अभी प्रोब को फिर से उल्टा करना पड़ेगा, लाल वाली प्रोब मैंने अभी ग्राउंड पे रखी तो उसके ठीक नीचे यहाँ पे ये VSP है, ये वाली VSP है, इस पे भी GR आ रहा है प्रॉपर आ रहा है ना। ये वाली लाइन जो है ये 1.8 है, इस पे भी GR प्रॉपर आ रहा है, आप मल्टीमीटर पे चेक कर सकते हो। जब सारी लाइनें ओके हैं, GR प्रॉपर आ रहा है, तब भी इस पे ग्राफिक्स क्यों नहीं आ रहे, इस पे VSP और VSN क्यों नहीं बन रहा, वो क्यों नहीं बन रहा वो मैं बताता हूँ। डिस्प्ले भी मैंने दूसरी लगाई तब भी नहीं बना। आपको एक एक्स्ट्रा पिन चेक करनी है जो हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं बताया है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी पिन है वो। 1, 2, 3, 4 ये वाली ग्राउंड, ये नहीं, ये वाली पिन आपको चेक करनी है। इसका मतलब है जो मैं फॉल्ट बताने वाला हूँ वही फॉल्ट आपकी भी डिवाइस में है। अगर इस वाली पिन पे 2500 के करीब GR आ रहा है, इसका मतलब है फॉल्ट रिलेटेड है जो मैं फॉल्ट बताने वाला हूँ। चलिए मैं बताता हूँ ये दिक्कत क्यों आती है इसमें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। इस कंडीशन में ये दिक्कत जो है पावर IC से है। पावर IC से कैसे है मैं आपको बताता हूँ कैसे पावर IC से दिक्कत है। ये वाली जो लाइन है ना, अगर ये लाइन पे 2500 के करीब GR आ रहा है, ये जो मैंने आपको लाइन बताई ना अभी, ये वाली मैंने आपको बताया, अगर ये वाली पिन पे 2500 के करीब GR आएगा
तो इस पे ना तो लाइट आएगी ना ग्राफिक्स आएंगे। मगर इस कंडीशन में अगर बोर्ड को हम प्रेस करते हैं कहीं से भी, तो हो सकता है इस पे प्रॉपर जीआर आए उस टाइम पे। हो सकता है बोर्ड को प्रेस करने पे या कभी कभी अचानक से इस पे जीआर आए भी, आपका जो कभी कभी इस पे ग्राफिक्स आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, वो वाला प्रॉब्लम जो है इस पे परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। ये वाली पिन जो है बॉर्नियो में नहीं बताई है ग्राफिक्स के रिलेटेड, मगर मैंने इसको ट्रेस आउट करके बताया है आपको, ये पिन जो है यहाँ से आ रही है, ये वाली पिन जो है यहाँ से आ रही है पावर आईसी से, पावर आईसी के अंदर से आ रही है। जब मैं मदरबोर्ड को थोड़ा टेढ़ा करता हूँ, आप देख सकते हो, जब मैं मदरबोर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ तो इस पे जीआर आने लगता है। देखिए 400 कुछ आया ना, अभी मैं बोर्ड को थोड़ा सा बेंड कर रहा हूँ किसी भी कॉर्नर से, तो इस पे 2500 जा रही, देखो 2500 हो गई ना। देखिए कभी 490 आ रहा है, कभी 2500 आ रहा है। ये जो पॉइंट है ना पावर आईसी के अंदर से इसका टूट रहा होता है, ठीक है, उसी वजह से ये दिक्कत आती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सही करना है। मैंने अभी तक बहुत सारे मोबाइल जो A12 के रिटर्न किए इस कंडीशन में, पता नहीं मेरे से पहले किसी भाई ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी हो A12 में, मगर YouTube पे ये पहली वीडियो है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको A12 के बारे में, और लाइट और ग्राफिक्स कहाँ से भागते हैं, इसके किस वजह से भागते हैं। मैं आपके सामने हमेशा इन डिटेल वीडियो लाता हूँ, आप फिर भी लाइक शेयर कमेंट नहीं करते। आपको लगेगा नहीं कि ये ट्रैक टूट रहा है यहाँ से, मैंने इससे पहले भी एक सॉल्व करी है एक डिवाइस, आपको लगेगा नहीं ये ट्रैक टूट रहा है यहाँ से, नहीं लग रहा है ना टूट रहा है। अगर मैं इसको चुमटी से ज़रा सा भी हटाऊंगा ना तो ये हट जाएगा, ये देखिए आप, ये ट्रैक ऑलरेडी ओपन रहता है, ये थोड़ा बहुत कनेक्ट में रहता है, कॉन्टैक्ट में रहता है, तो उस वजह से कभी ग्राफिक्स आ रहे हैं और कभी भाग रहे हैं। आईफोन 6 में आपने अगर कभी बेसबैंड रैपर किया होगा उसमें भी दो ट्रैक ऐसे ही ओपन रहते हैं सेम कंडीशन में, आंखों से लगते हैं कि वो जुड़े हुए रहते हैं मगर वो असल में टूट रहे होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपने कितने A12 अभी तक रिटर्न किए हैं इस कंडीशन में मेरे को कमेंट में बता दो आप, और आपके मन में कोई भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आईसी को रिबल करने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी एक तरतीब बताता हूँ मैं आपको। आपको पावर आईसी को रिबाल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्या करना रहेगा आपको। ये जो पावर आईसी है इस हिसाब से लगेगी, और ये वाली कॉर्नर की बाल जो है मोटी होनी चाहिए, इसको मोटा कर देते हैं क्योंकि इसको जंपर के साथ जुड़ना है ना। यहाँ पे जो है दो बाल है एक्स्ट्रा, एक काट ही देते हैं, एक से भी बात बनेगी यहाँ पे, यही वाली बाल जो है यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए आप, ये वाली बाल जो है मोटी होगी ना, अब ये इस जंपर से जुड़ जाएगी। मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने कम से कम 4-5 डिवाइस रिटर्न करी होंगी ऐसी A12 वाली जिनमें कभी ग्राफिक्स आ रहे थे कभी नहीं आ रहे थे, कभी लाइट आ रही थी कभी नहीं आ रही थी। तो आज जाके इसका सॉल्यूशन निकाला मैंने, तो अब के बाद उम्मीद है कोई भी डिवाइस रिटर्न नहीं जाएगी। आप भाइयों के पास भी आएगी कोई तो आप भी रिटर्न नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने ये जंपर मार दिया ना, इस पे यूवी क्यूरिंग की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना छोटा जंपर है, ज़रूरत भी नहीं है, और ये दूसरी साइड शोल्डर से जुड़ा हुआ है ना, तो ज़रूरत नहीं है इस पे ये करने की। ये देखिए इस पॉइंट का जीआर जो है असल में 450-450 के करीब है। अब ये लूज़ कनेक्शन नहीं मारेगा यहाँ से, और ये जीआर जो है डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब अभी चेक करके बताता हूँ इस पे ग्राफिक्स और लाइट आई होगी या नहीं आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो। आप देख सकते हो लाइट और ग्राफिक्स जो है इस पे प्रॉपर आने लगी है अभी। बाकी वीडियो पसंद आ गई हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बोर्ड को टोटल बैंड भी कर रहा हूँ तब भी ये लूज़ कनेक्शन नहीं हो रहा। बाकी वीडियो पसंद आ गई हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।